समस्त स्वागत आ नमस्कार। आज आम मातृभाषा कालांश करवा पाने तुम्हें समस्त देखु गोटे अनेक गुड़े गच्छ अच्छे नहीं गच्छ अच्छी ताले ये गोटे बणर चित्र बण बन कहले आम कौन बुझुचे जो गच्छ प्रकृति में स्वतः उठी था तार जत्न कहीं मनीष नहीं न थाए बन कह जाए ये बनर चित्र देखुचे बन कहले बन दुईटी अच्छी बन आन गोटे बन कहले अरण्य जंगल बन सब बहुवचनांत समूहवाचक शब्द बन कहले केते गुड़े गछर समष्टि समाहार को बन कहुए आउ बन अर्थ कौन ना जल कारण आम कहे बनिया आसला बनाना समूह बनिया जिते अधिका बड़ी एकाठी आसे आम से बनिया आस ते समस्त कि कथा अच्छे आम सेमती ए बणर कौन कथा से बणर कथा आम आज पढ़ा आज कालांश में बणर कथा जे से बणर कथा वार्ता आम पाखे आज उपस्थापन करमर अति प्रिय पूरपल्ली सुपरिचित आमर पुरी जिलार सुआंड ग्राम से साक्षी गोपाल निकटवर्ती सुआंड ग्राम से जन्मग्रहण करते सी आउ कहीं नुहंती सी हूँ आम उत्कलर मणि अति प्रिय गोपबंधु दास जहाँ को कि समस्ते गोप माने दासे आपणे बोली जानती से गोपबंधु दास मनरे आम पाखे बर्तमान से कहीं बनवाणी विषय उपस्थापना कर साहित्य स्थान देखते बर्तमान समय बण हूँ बन अरण्यर सभ्यता आमर हूँ भारतीय मानकर सभ्यता हूँ अरण्य सभ्यता अरण्य ही आम सभ्यतार सृष्टि होता अरण्य ही सबुर केमी प्रथम जिते बड़े सभ्यता सृष्टि जिते ऋषि परंपरा थिला ऋषि मैंने से कौन करते ना अरण्य ही शिष्य मानक निजर शिक्षा और शिष्य मान शिक्षा दान करते तेणु से अरण्य सभ्यता को आम से धीरे धीरे आम ठार दूरे जाऊँगी जनलोचन को आने आम को जनई देवाई से विषय उपस्थापन कर खाली एति की नहीं अनेक विषय अच्छी सी तो जड़े मैंने थे कौन दरिद्र मान बंधु दरिद्र मान से नर मान नारायण बोली कहते जनता को जनार्दन बोली कहते सी कौन करते से केवल नड़े कवि से थिले लेखक से थिले देश सेवक से थिले जनभक्त सी एकाधान सब थे अनेक कविता गाथा रही रही गोमहात्म्य धर्मपद कारा कविता बंदी कविता एभली अनेक कविता रही संपूर्ण भाव देशपाई समर्पित होते जहाँ कंठर स्वतस्फूर्त भाव उठुला मिशु मोर देह ए देश मटी देशवासी चली जातु पिठी रे देशर स्वराज्य पथे जिते गाड़ ही पड़ी मोर मंस हाड़ जार या मर्मर वाणी से गोपबंधु दास जन्म होते 1877 मसीह देहांत होता 1928 मसीह से अरण्य बनवाणी विषय गोपबंधु दास आमको ये विषय कौन कहते कहते भारतीय सभ्यतार प्राण केन्द्र हूँ अरण्य सभ्यता भारतीय सभ्यतार उत्पत्ति स्थल उद्गम स्थल अरण्य ही सृष्टि आवाह मान का महापुरुष मान साधना और सिद्धि स्थान थी अरण्य पॉइंट नंबर टू है कौन ना कहीं बनर बाणी आज शुणा ना ये आम भारतीय सभ्यतार प्राणकेंद्र अरण्य सभ्यता आमर आवाहन काल सृष्टि आरंभ काल महापुरुष मानक साधना और सिद्धि स्थल थी अरण्य से ही से अरण्य ही साधना करते अरण्य ही सिद्धिलाभ करते जिते जोगी ऋषि सिद्धदपा कथा पढ़ा आम शुणीचे रामायण महाभारत रु सब ही अरण्य ही तपस्या साधन करते जिते शिष्य थे आम एकलव्य हो आरुणी हो आमर भगवान कृष्ण हो भगवान राम हो सब अरण्य ही आश्रम कर विद्या शिक्षा लाभ करते तेणु भारत संतान मान अरण्य आर्य ऋषि चरण तले बस शिक्षा लाभ कर गोटे चित्र मुझे आपण मानक ये देखा केमी आम प्राचीन सभ्यतार आर्य ऋषि चरण तले अरण्य बस शिष्य मैंने शिक्षा ग्रहण करते राजा महाराजा मैंने जीवन शेष अवस्था राजा महाराजा मैंने जिते राजा शिक्षा लाभ कर सारापर युवराज से राजापद अभिषिक्त हमें से प्रजा मान दुख सुख सब बुझी राज्य शासन करते समय धीरे धीरे अपराह्न ही आसे अर्थात बावन वर्ष ही जाए
ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୁଣି ନିଜର ପୁଅକୁ ଯୁବରାଜ ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ଆମର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଅରଣ୍ୟକୁ ହିଁ ଆପଣେଇ ନେଉଥିଲେ, କାରଣ ଅରଣ୍ୟରୁ ହିଁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି, ଅରଣ୍ୟରେ ହିଁ ଆମର ଲୟ। ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ନା ଏଇ ତରୁଛାୟା ମୁନିବର ତରୁଛାୟାର ଆଶ୍ରୟ ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମେ ଖାଲି କହିଦେବା ଏଇଟା ଗପରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଯେତେ ସିଦ୍ଧ ଅଛି, ଆମର ଯେତେ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ କାବ୍ୟ ଅଛି, ଆମର ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ପୁରାଣ, ସାହିତ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଆମର କାବ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ରଘୁବଂଶମ୍, ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ଆମର କାବ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ହେଲା ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଯେତେ ସବୁ କାବ୍ୟ ନାଟକ ପୁରାଣ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଅରଣ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଖାଲି କାବ୍ୟ ନାଟକରେ ନୁହେଁ, ଋଷିମୁନି ପରମ୍ପରାରେ ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଭାବୁକ ଆଉ କବିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ କବି ଆଉ ଭାବୁକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତି, ପ୍ରକୃତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି କହିଲେ ଆମର ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରକୃତ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଅରଣ୍ୟ, ଆକାଶ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ନୁହେଁ, ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇ ସବୁ ଆମର ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଉତ୍ସ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ, ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରିବ, ଗଛ କ'ଣ କରିବ, ରାସ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଚାଲିବା, ଗାଡ଼ି ମଟର ହେଲେ ଆମର ଉପକାର ହେବ। 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ସମାଜରେ, ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ବୁଝ, ରାସ୍ତା ଛାଏଁ ରାସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଥିବ କେ ଚାଲିବ ଏତେ ହେଜ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା ରାଜଧାନୀରେ ଅଛି, ତଥାପି ଆମକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ମନା କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଥାରେ ସେଇ ଲେଖାଯାଉଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଥିବ, ସତ୍ୟର ଘଟଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ, ଅଚେତନ ନୁହେଁ, ଜଡ଼ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ତାରିଠାରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ବିଲୟ ହେବ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଅତି ଆପଣେଇ ନଉଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଜୀବନରେ ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଜୀବନରେ ଜଣେ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବନରେ ହିଁ ନିଜର ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର NCC ହଉ, ସ୍କାଉଟ୍ ହଉ, ଗାଇଡ଼୍ ହଉ, ପୋଲିସ ହଉ, ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଯାଉଛେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ବନକୁ ହିଁ ପଠିଆ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଜ୍ଞାତରେ ହେଉ ବା ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଉ। ଆମର ଦେଖିବା ରାମାୟଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ 14 ବର୍ଷ ବନଗମନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି କରିଥିଲେ, ମାତା କୈକେୟୀ କ'ଣ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, ତାହେଲେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାହିଁକି 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନକୁ ପଠାଇଥିଲେ ନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ, ଏ ରାଜ୍ୟର ସୁଖ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଢ଼େଇ ଆଣିବେ, ତେଣୁ ସେ ପୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଶରୀର କେବଳ ଯଦି ରାଜକୀୟ ପରିବେଶରେ ରହିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠାଇଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେ, ବନରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ବନରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଗଛ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବେ, ଋଷି ମହାଋଷି ମୁନି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ଜଣେ ରାଜା କେବଳ ଯେ ତା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବନକୁ ପ୍ରେରଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାମରାଜ୍ୟ କହିଲେ ଆଜି ଏବେ ବି ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ, କିଭଳି ରାଜା ନା ରାମରାଜା, କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ରାମରାଜ୍ୟ। ସେଭଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ବି ସେଇ ଜୀବନରେ ମହତ୍ ହେବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସିକି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଘରେ ରହିନାହାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମୟ ଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଉଦୟରୁ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମୟ ସେ ବନରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ବିଷୟଟି ଆମକୁ କବି ଏଠି ଲେଖକ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମେମାନେ ଯେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଆମମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ପୁଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ମୂଳ, ତାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହ୍ୟିକ ପ୍ରଭାବରେ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛେ, ନିଜର ବେଶ ପୋଷାକ ସହିତ ନିଜ ମନକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛେ। ଯେମିତି ସପୋଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଆମର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମ ଭାରତରେ ଆଦୃତ ହେଉନି, ଯେତେ
आग्रह कर देखुचे किंतु भारत भिन्न अन्य देश मानक भारतीय नृत्य गीत संगीत को से बहुत आदर करें बर्तमान कौन करे ना बाहिक प्रभाव में आम वेश पोशाक भूली जाऊे आमर भावढंगी भूली जाऊे आम सब बाहर को आपणई नौचे या देख कवि कौन लेखक कौन कर दुख प्रकाश करम भितर पुनर्जागरण सृष्टि करने को नवजागरण सृष्टि करने को चेष्टा कर तेणु से कौन कर भारतीय सभ्यता और चिंतार गतिर पर तेणु से परिवर्तन को केमी पुनरुज्जीवित करेंगे से पुनः केमी आम को प्रकृति प्राण करदे आम को केमी अरण्य प्राण करदे वन प्राण करदे से चेष्टित सतत चेष्टित जदिओ आम बाहिक प्रभाव में बर्तमान पड़ी जाइए अरण्य को धीरे 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 भूली भूली आसुचे तथापि शत शत शिष्य वेदध्वनि वन प्रदेश आज जदिओ मुखरित होना सहस्र सहस्र वर्ष पूर्व जो जनश्रुति जो वेदध्वनि वन प्रदेश में शुभुला जदिओ ता वन प्रदेश में शुभुना तथापि भारतवासी हृदय यही जो बनर जो प्रकृति जो प्रेम बनर जो प्रेम बनर जो गाथा बनर जो प्राण कथा ता संपूर्ण भाव में विलुप्त होना आम मन मध्य एवं भी किसी जगृत हो अच्छी घर दुआरे लिंब गचटे रखुचे बेल गचटे रखुचे तुलसी गचटे रखुचे जदिओ बेस मात्रा न करपे तथा आम पूजा करुचे संपूर्ण विलुप्त होना कि हबना कारण जदि बनवाणी ही भारत वाणी आम कहीं विलुप्ति करना ना बनवाणी ही भारत वाणी यह सीए यह सभ्यतार आम सभ्यतार विशेषत्व बनवाणी ही भारत वाणी जदि कौन जाति देश तार विशेषत्व को भूली जाए बा हर बसे ताहले से जातिर विलय है कहुए तेणु जेहेतु आम भूलना तेणु आम जातिर विलय होना बर्तमान यार पुनरुद्धार आशा अनेक हृदय जाग्रत हो धीरे धीरे एभली भाव परिवर्तन समय आसो आमे बन को आपणई नवा तेणु से बनवाणी विषय बन को आमे से बनवाणी विषय कौन है ना आम ये बन को आपणई नवा से बन को पुनर्व जाग्रत दिया से विषय आम आपको लेखक परिचय देने बर्तमान आम से विषय किसी आम शब्द रही जाए देखा शब्दार्थ देखु बर्तमान रहा आम बाहिक बाहिक कौन ना बाहर प्रभाव बाहर प्रभाव में बाहिक प्रत्येक प्रभाव प्रभाव ही जो प्रयोग निरुद्देश्य उद्देश्य निरुद्देश्य उद्देश्य विहीन भाव निरुद्देश्य उद्देश्य विहीन भाव कृतार्थ कृतार्थ कहले धन्य चरितार्थ यही आम अनेक कठिन शब्द से विषय रही विपरीत शब्द रही विद्यमान जहाँ वर्तमान अच्छी तेल जहाँ ना आम कौन कह अविद्यमान विद्यमान अविद्यमान से जड़ प्रकृति आमपाई जड़ नुहे तो प्रकृति आमपाई कौन जार जीवन ना से जड़ ताल जार जीवन अच्छे कौन कह चेतन जड़ चेतन अज्ञात जहाँ आम जाणिना अज्ञात तेज जहाँ भी जाणीचु ज्ञान अज्ञात अज्ञात से भाई आम सन्धि रही तुम्हें मैंने प्रथम ये प्रथम विषय प्रथम आसीच सन्धि कौन जान सन्धि क्या कहते जिते निकटतम वर्णद्वयर मिलन हुए ताकि सन्धि करवा वर्णद्वयर मिलन केमी है देख अद्या भी गोटे शब्द तार प्रथम है कौन अद्य प्रथम पद उत्तर पद है अति प्रथम पदर अंतिम वर्ण है य अच्छी शेष उत्तर पदर आद्य वर्ण अच्छी अ तेणु य सहित अ मिसले या होगा दीर्घ मिसीगला अमिशला आगला अद्य अभी अदिया भी पुनरुद्धार पुनः उद्धार विसर्ग सहित अमिशिले रिशिले रु आ मिसले रा इ मिसले भी आम सन्धि हुए तो आम ये भाव में सन्धि शिखिले अच्छा सन्धि बर्तमान में जी गोटे समास लिखाई सन्धि कौन आमास कौन जिते निकटतम वर्णद्वय मिशंती से आम कह ये गोटे सन्धि से भाई भाव में जिते निकटतम शब्दद्वय पदद्वय मिसी जाती से आम कह समास समास आ कि नुहे वर्ण को वर्ण मिसले सन्धि पद को पद मिसले समास आमर ये बनवाणी बनवाणी कहले बनर वाणी बनर गोटे शब्द वाणी आ गोटे शब्द केवल ये नूतन तो कौन आसाना ये गोटे विभक्ति रही
बनवाणी। तापरे देखो जोड़ी शब्द अच्छी, जोड़ी शब्द कौन जिते दुईट शब्द एकाठी रही गोटे अर्थ प्रकाश कैर आम जोड़ी शब्द कहवा। ये तुम बही अच्छी सन सन कला कला से आम आउ दुई तीनो शब्द कह घन घन कुहु कुहु ये सब एमती आम अनेक जोड़ी शब्द तुम्हें मैंने खातार लिखे चिठा कर किए कतोटी जोड़ी शब्द लिखिपार से भाई अर्थगत पार्थक्य अच्छी। बन बन गोटे बन कहले वृक्षर समूह बन आउ गोटे कहले जंगल आ गए बन कहले जल जहाँ आम कहे बनर समूह अधिका जल जो एकाठी जामें कहे बना। अच्छा पिलाने समस्त बुझल विषय टी आम आसंता कालांश में आम कौन करवा ना अभ्यास पाठ कर क्लास को ये स्थगित रखा जा विराम।